आज हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक क्लास, जो कि आप चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर कोई कंप्यूटर सेशन का ट्राई कर रहे हो। बेसिक क्लास नंबर 1, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल्स ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कंपाउंड एंगल्स है। अब इसे याद कैसे किया जाए? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सेम वही चीज है, बस यहाँ पर प्लस लिखे हुए माइनस है। कॉस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दोनों एक तरह का फॉर्मूला था। और सेम कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी लेते हैं पहले। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेते हैं, अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लेते हैं। ये चार फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे tan a plus b, tan a minus b, cot a plus b, cot a minus b। देखिए हम लोग निकालते हैं tan a plus b, tan a plus b क्या होता है? साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी। क्योंकि हम लोग मैट्रिक क्लास से जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हम लोग मैट्रिक से मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जस्ट अभी हम दिखाए थे, क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताए थे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हम लोग जस्ट कुछ देर पहले हम लोग सीखे थे। नीचे और ऊपर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से। जस्ट नीचे भी डिवाइड करेंगे कॉस ए
cos b माइनस साइन ए साइन बी, इसको भी डिवाइड करेंगे cos a cos b से डिवाइड करेंगे। अब देखिए साइन ए cos b प्लस इतना cos a साइन b बटे इतना, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए cos b बटे बाय cos a cos b प्लस cos a sin b बटे cos a cos b। अब बोलिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 3 बटे 4 को 2 बाय 4 2 बाय 4 प्लस 3 बाय 4, सेम इसी टाइप से लोग लिखे उसको, तो इसको लिखेंगे cos a cos b बटे cos a cos b माइनस sin a sin b बाय cos a cos b। सबको डिवाइड कर चुके हैं हम लोग cos a cos b से। अब देखिए यहाँ पर cos b कैंसिल हो गया, sin a by cos a, that means sin theta बटे cos theta क्या होता है tan theta, तो tan a हो गया plus cos a कैंसिल, sin theta बटे cos theta tan theta, तो हो गया tan b by cos a cos a cos b कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस sin बाय sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, tan b हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ tan a plus b पर क्या हुआ tan a प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी, यह आपका टेन ए प्लस बी निकल गया। सेम इसी तरह से हम लोग टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालेंगे, tan a माइनस बी, ये देखिए tan थीटा है, tan थीटा का मतलब क्या लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा थीटा की जगह क्या है a माइनस बी है by cos थीटा a माइनस बी। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, क्या पढ़े थे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बताए थे अगर cos में माइनस है तो यहां प्लस होगा। सेम उसी तरह से इसमें भी cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b बाय क्या हो जाएगा cos a cos b से डिवाइड करना था ऊपर किए, अब जस्ट नीचे भी करेंगे उसी से cos a cos b प्लस sin a sin b by cos a cos b डिवाइड किए। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग sin
a cos b by cos a cos b minus cos a sin b by cos a cos b by फिर इसको भी लिखेंगे cos a cos b by cos a cos b plus sin a sin b by cos a cos b। हम लोग इस तरह से मिल गए हैं। अब देखिए cos b कैंसिल, cos a कैंसिल, बचा क्या ऊपर sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा by देखिए ये कट जाएगा 1 minus sin थीटा बटे cos थीटा क्या होगा tan थीटा into sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो आपका क्या निकला tan a माइनस b स्क्वायर टू क्या हुआ tan a, इधर लिख चुके होंगे आप लोग सही हो क्या हो गया tan a माइनस tan b बाय वन प्लस tan a tan b, ये आपका tan a माइनस b का फॉर्मूला निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है cot थीटा क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा, देखिए cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b plus sin a sin b, तो लिखिए इसको cos a cos b plus sin a sin b, sin a minus b का क्या होता है sin a cos b minus cos a sin b, sin a cos b minus cos a sin b, आपका फॉर्मूला हुआ। इसको भी साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बाय साइन ए साइन बी से इसको डिवाइड किए, इसी तरह से नीचे वाले को भी करेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको भी डिवाइड करेंगे साइन ए साइन बी से डिवाइड करते हैं इसको भी, तो देखिए कॉस ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी बाय साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी बाय साइन ए साइन बी डिवाइड किए, फिर देखिए साइन ए कॉस बी बाय साइन ए साइन बी साइन बी माइनस है कॉस ए साइन बी बाय साइन ए साइन बी, देखिए कॉस ए बाय साइन ए दैट मींस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है ए है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट भी हो गया प्लस ये कट जाएगा वन हो गया बाय कितना साइन ए कैंसिल
साइन बी साइन बी कैंसिल, बचा क्या है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, कॉट बी प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा। अब क्या फॉर्म ए कॉट ए क्या निकला, ये कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला निकला, cot a cot b plus 1 by cot b minus cot a, ठीक है। अब हम लोग रिमार्क्स लिखते हैं, आज हम लोग जो चीज पढ़े हैं उसको एक जगह कलेक्ट करते हैं, रिमार्क्स लिखिए। पहले क्या लिखा है देखो, tan a plus b बराबर का निकला फॉर्म होता tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, पहला। दूसरा क्या निकला था, tan a माइनस बी, जहां जहां प्लस था वहां माइनस करना है, जहां जहां माइनस है वहां प्लस करना है, टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन ए टेन बी, ये निकला था। और दो था कॉट ए प्लस बी, क्या आया था cot a cot b minus 1 by cot b plus cot a, चौथा cot a minus b बराबर cot a cot b plus 1 by cot b minus cot a। हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा था आज, वक्त के लिए इतना ही काफी है, ठीक है।